गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। यह अध्याय लेखक मधुकर उपाध्याय जी द्वारा रचित है, जिसका शीर्षक है दिए जल उठे। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने में अनेक नेताओं का योगदान था, जिसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जी और अनेक ऐसे नेताओं के नाम शामिल हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना जीवन बलिदान कर दिया। इन नेताओं ने विभिन्न आंदोलन भी किए, जिनमें एक आंदोलन है दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आई, किस किस दांडी यात्रा में किस किस समस्याओं के कारण इन नेताओं को जूझना पड़ा, और दांडी यात्रा कितने समय तक चली, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सारी बातें इस पाठ में बताई गई है, या इस पाठ में इन सारी बातों का इस पाठ में जिक्र किया गया है या फिर वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं हम पाठ दिए जल उठे। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। रास जो गुजरात में एक जगह है, वहां पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो रास में दांडी की जो कूच, मतलब दांडी का जो आंदोलन करना था, उसके सिलसिले में वहाँ पहुँचे थे। कब पहुँचे थे? 7 मार्च को। वहीं उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। वहाँ मतलब ये जो आंदोलन इन्होंने को छेड़ना था, वहाँ पर उन्हें पटेल भाई को कोई भाषण नहीं देना था, लेकिन लोगों के कहने पर उन्होंने 2 शब्द कहना ही शुरू किया था। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? जो पटेल साहब हैं, पटेल भाई जो हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो कह रहे हैं कि क्या आप इस सत्याग्रह, जो सत्य के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है, उसके लिए आप तैयार हैं? दांडी यात्रा, दांडी का जो पता है आपको कि अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर कर लगा दिया गया था, ठीक है ना? तो उस कर को समाप्त करने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया। अब नमक जो है वो हर एक आम जन की ज़रूरत है, हर रोज़ काम आने वाली चीज़ है, इसके बिना खाने का भी कोई स्वाद नहीं होता है। तो इस जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनको भी नमक की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग इस पर कैसे टैक्स देंगे? तो इस कर को समाप्त करने के लिए ही दांडी यात्रा शुरू की गई, और गांधी जी ने अपने हाथों से नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था। इसी के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो हमारे हिंदुस्तान पर बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान करते थे, हर छोटी छोटी चीज़ पर कर लगाकर हमें यातनाएं दिया करते थे। तो उन्होंने कहा कि क्या आप इस सत्याग्रह की, सत्य की जो जीत है, सत्य के पीछे अपने आप को न्यौछावर करने के लिए आप लोग तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया। निषेधाज्ञा मतलब जो ये जो भाषण जो दे रहे थे, इसके लिए उन्हें आदेश दिया गया कि ऐसा कोई भाषण नहीं देगा। इस आदेश की उन्होंने अवहेलना की, इसलिए पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिरलेडी के आदेश पर हुई। जो वहाँ का स्थानीय कलेक्टर था, जो रास का कलेक्टर जो था शिरलेडी, उसके आदेश पर यह हुई। और यह क्यों हुई? क्योंकि जो पिछला एक आंदोलन था, वहाँ जब यह आंदोलन हुआ, उस समय इस शिरलेडी को आंदोलन के समय इसको पटेल साहब ने भगा दिया था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनको अहमदाबाद से भगा दिया था, इसलिए वो उनसे गुस्सा भी थे, और जब वे 2 शब्द भी ना कहे, उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसत की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सज़ा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लगा। पटेल को ₹500 जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। अब
जो ये भाषण देने के अपराध में उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो जज जो है, मजिस्ट्रेट जो है, उनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि इस अपराध की क्या सज़ा दी जाए। फिर काफ़ी समय बाद, काफ़ी समय मतलब उनको इस सज़ा का फैसला सुनाने में 1.5 घंटा लग गया, और वो सज़ा सिर्फ 8 लाइन की थी। उसमें उन्होंने 500 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की जेल दी। इसे पटेल साहब ने, मतलब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद के साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सज़ा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से क्षुब्ध थे। क्षुब्ध मतलब नाराज थे, अशांत थे, और उन्हें लग रहा था कि जो दांडी यात्रा, जो कूच हमने तैयार शुरू किया है, जो आंदोलन हमने शुरू किया है, उसका जो नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, अब वो कुछ समय के लिए रुक जाएगा। तो वो कुछ शांत भी थे और कुछ नाराज भी थे। तो जो गांधी जी को सूचना दी गई, उससे वे थोड़ा नाराज़ हो गए, और उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की आखिरी तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। मतलब जो दांडी यात्रा उन्होंने 12 मार्च को शुरू करनी थी, अब वह जल्दी ही शुरू करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों का जो अत्याचार है, अंग्रेज़ों का जो विरोध है, वो दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। आश्रम में एक एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बरसोत से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहाँ ले जाया जा रहा था? साबरमती जेल में ले जाया जा रहा था। वह साबरमती आश्रम के रास्ते में ही पड़ता था। तो वहाँ के जो लोग थे, वो पटेल साहब को देखना चाहते थे, उनकी एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहाँ किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों ने को मोटर रोकनी पड़ी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्हीं की वजह से उन्होंने वो गाड़ी कहाँ पर रोकी? साबरमती आश्रम के वहाँ रोकी। वहाँ पर लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात, संक्षिप्त मतलब छोटी सी मुलाकात हुई। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। मतलब मैंने इस दांडी यात्रा की शुरुआत तो कर दी है, अब आगे आपकी बारी है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई थी। जो पटेल साहब हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो दूसरे क्रांतिकारी नेता थे, मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने बिना किसी मुकदमा, मतलब बिना किसी की क्या कह रहे हैं, कोई कार्यवाही किए बिना, बिना कोई मुकदमा चलाए बिना उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। उन्हें 3 महीने की सज़ा सुनाई गई। इसके लिए जो मदन मोहन मालवीय जी जो हैं, उन्होंने इसकी निंदा की और एक ऐसा परिणाम प्रस्तुत किया, एक ऐसी प्रतिक्रिया करी ताकि लोगों को उसके बारे में पता चल सके। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। पारित होना मतलब प्रस्ताव पास नहीं हुआ। ये जो जज के द्वारा जो सज़ा दी गई, क्योंकि ये सब पुलिस वालों के, इन सब के सबके ही काम थे, तो इसमें मदन मोहन मालवीय जी असफल रहे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। नज़ीर मतलब ऐसा उदाहरण पेश कर रही है जिसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। क्यों? क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी गिरफ्तारी लोगों में रोष पैदा कर रही है, लोगों में गुस्सा पैदा कर रही है। गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत
पटेल को गिरफ्तार किया गया। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। बरसोत बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। अब जो गांधी जी हैं वो रास में पहुंचने का जो कानून था वो लागू था, मतलब कि वो कानून लागू था कि वहाँ पर कोई भाषण नहीं देना है, क्योंकि उस समय जो पटेल साहब ने जो भाषण दिया उसमें ही दो शब्द कहे उसी पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, तो वो कानून अभी तक लागू था। इसलिए सत्याग्रही ने पूरी तैयारी कर ली, और अगर गांधी जी भाषण देते हैं तो उस स्थिति में जो आंदोलन है उसकी अगुवाई कर सके, मतलब जो अब्बास तैयब है वो भी वहाँ पहुँच गए, अगर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसका जो नेतृत्व है अगुवाई, मतलब उसका जो नेतृत्व है वो अब्बास तैयब जी करेंगे। इसके बाद बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो सब तैयार थे कि अगर ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज सरकार है, अगर गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लेती है तो हमें आंदोलन जारी रखना है। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे, जो वहाँ के जो लोग थे वो सबसे आगे थे। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर से उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे, उनकी साहेबी थी, ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। जो गांधी जी हैं वो बता रहे हैं कि जो दरबारी हैं, जो दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज जी हैं वो भी वहाँ मौजूद थे, और उन जब गांधी जी भाषण दे रहे थे तो इन लोगों का उन्होंने ख़ास तौर पर उल्लेख करके बताया कि इन लोगों के पास कोई कमी नहीं है, ये रियासतदार हैं। रियासतदार का मतलब होता है कि जो इनके एरिए के जो मालिक होते हैं, इनके इलाके के ये मालिक हैं, ठीक है। और इनकी जो ज़िंदगी है वो ऐशो आराम वाली है, और एक तरह से समझ लीजिए इनका जो जीवन है वो राजपाट जैसा है, लेकिन ये सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए हैं। इनके त्याग और हिम्मत से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। धन्यवाद।